दोस्तों, मेरा नाम इरशाद, स्काई माइंड के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि ये डायमंड रियल है कि नकली है। बाहर है थोड़ी देर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी चमक है इस डायमंड की। तो हमें चेक करना है कि रियल है कि नकली है। तो सबसे पहले कुछ तरीके हैं इसके। तो पहला तरीका बताता हूँ कि आप इसको कांच पे रगड़िए और बहुत बुरी तरह रगड़िए, जितनी जान हो। पहला तरीका तो ये है कि ये एक लाइनिंग बना देगा अगर ओरिजिनल होगा तो, जैसे कि इसने बना दिया है। लेकिन अब मैं बताऊँगा थोड़ी देर में कि ये रियल है कि नकली है। दूसरा तरीका है कि आप इसके, जिस तरह आप किसी, कभी आपने देखा होगा कि कोई कांच पे हम कुछ भाप डालने के बाद उस पर कुछ लिखते हैं तो भाप जो है कांच पे रह जाता है, लेकिन जो रियल डायमंड होता है उस पे भाप नहीं रहता। मतलब ये हीट को दो ये 3 सेकंड में गायब कर देता है। तो आप इसमें भाप डाल के देखिए। मैं भाप डालता हूँ एक बार, इसमें दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि चमक बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो दिख नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। तो मैं, दूसरा तरीका ये है कि आप भाप डालेंगे तो ये भाप गायब हो जाएगा। अगर भाप गायब हो जाता है इसका मतलब रियल है, अगर भाप रह जाता है इसका मतलब फेक डायमंड है। तीसरा तरीका है कि अगर आप कुछ कुछ लिखा पड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ लिखा, जैसे आप रियल डायमंड रखेंगे तो आप उसके वर्ड को पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपने में से पूरा आर पार वर्ड को पास नहीं होने देता। अगर यहाँ देख आप देख पा रहे हैं कि कुछ वर्ड पढ़ पा रहे हैं, शायद देखो दिख ही रहा है मुझे, यानी कि ये फेक डायमंड है। इस तरह पता लग गया। और मैं यहाँ बता रहा था कि लाइनिंग, तो ये देख रहे हैं लाइनिंग इसने बीच में छोड़ दिया स्केच करते करते। जैसे ये कांच यहाँ तक गया उसके बाद इसने छोड़ दिया। तो ये लोकल है, रियल होता तो ये पूरा फाड़ता हुआ चला जाता है। इसको दो तरीके हो गया। तीसरा तरीका है कि आप इस, जैसे कि एक मिथ है कि हम इसको चाटेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रियल डायमंड भी है आपके पास, उसको चाटेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाट के पता नहीं लगा सकते कि रियल है कि असली। बहुत से लोग कुत्ते को चटा देते हैं कि अरे रियल है कि असली है, पता लगाते हैं। चौथा तरीका है, आप इसको लाइटर से गर्म करिए और तुरंत पकड़ लीजिए, या फिर ठंड पानी में डाल के देखिए। आवाज़ नहीं करेगा छन से, जैसे कांच आवाज़ करता है, जैसे लोहा आवाज़ करता है, क्योंकि ये हीटिंग को अपने ऊपर कुछ समय से बाद तुरंत हटा देता है। ये ज़्यादा हीटिंग को 3 या 4 सेकंड में ही ख़त्म कर देता है। जैसे लोहा गर्म करेंगे तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, लेकिन हम डायमंड को गर्म करेंगे तो कुछ ही समय में हट जाएगा। तो मैंने 3 मेथड बता दिए कि एक तो इसको रगड़ के देखिए कांच में बुरी तरह, दूसरा है कि आप इसको वर्ड अगर पढ़ पा रहे तो नकली है, नहीं पढ़ पा रहे तो रियल है, और तीसरा तरीका भाप वाला था कि भाप इस पर रुक जाए 3 सेकंड में गायब हो जाता तो रियल है वरना नकली है, और चौथा तरीका वो हीटिंग हीट करके आप चेक कर सकते हैं। और भी कई मेथड है, बाद में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चमक देखो ये।